आज हम एक और टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है नेप्रॉन। तो आज हम देखेंगे नेप्रॉन होता क्या है, नेप्रॉन का वर्क क्या है और इसका स्ट्रक्चर क्या है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि नेप्रॉन क्या होता है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ किडनी, मतलब बिना नेप्रॉन के किडनी का कोई अस्तित्व है क्या? कोई भी अस्तित्व नहीं है, क्योंकि बिना नेप्रॉन के किडनी कोई भी फंक्शन नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये वीडियो आप सभी लास्ट तक देखेंगे। जैसा आप इसको ऐसा समझो कि अधूरा खाना खाने से क्या किसी का पेट भर सकता है क्या? नहीं, वैसे ही अधूरा ज्ञान कभी भी किसी को ज्ञानी नहीं बना सकता। आई बात समझे? तो वीडियो सभी एंड तक देखेंगे। अच्छा, तो हम स्टार्ट करते हैं नेफ्रॉन का डायग्राम। तो सबसे पहले हम एक ऐसा बना रहे हैं कप लाइक स्ट्रक्चर, जिसे क्या बोला जाता है, बोमन कैप्सूल। तो ये क्या है, बोमन कैप्सूल। हम आगे देखेंगे कि बोमन कैप्सूल का काम क्या है। अब ये आगे जाके डिवाइड हो रहा है, ये कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर दिखाई देगा जिसे बोला जाता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। क्या बोलते हैं, तो इसे क्या बोला जाता है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और ये प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल आगे जाके एक यू आकार का शेप बनाता है, और इसे क्या बोलता है, लूप ऑफ हेनेले, या इसे अपन और क्या बोल सकते हैं, हेनेले लूप। इसे क्या बोल सकते हैं, हेनेले लूप। और ये जो हेनेले लूप है ये आगे जाके फिर से डिवाइड होगा किसमें, डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में। इसे क्या बोल जाता है, डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, है ना। इसे आप शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं, डीसीटी। और प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल को आप क्या बोल सकते हैं, पीसीटी। और जो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होता है ये आगे जाके ओपन होता है कलेक्टिंग डक्ट में, किसमें होगा, या ऐसा नहीं, कलेक्टिंग डक्ट में। इसे हम क्या बोल सकते हैं, कलेक्टिंग डक्ट, मतलब कलेक्ट हो रहा है, कैसे हम देखेंगे, कलेक्टिंग डक्ट में। तो अब हम देखेंगे कि कैसे नेफ्रॉन वर्क करता है। ये नेफ्रॉन पाया कहाँ जाता है, किडनी के अंदर, है ना। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं, तो अब देखते हैं यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा एफरेंट आर्टरी। ये क्या होगा, ये होगा एफरेंट आर्टरियोल, जो साइज में कैसा होगा, थोड़ा हमको चौड़ा दिखाई दे रहा है ना। और ये कहां पे ओपन हो रहा है, ये होता है ग्लोमेरुलस में, है ना। जो कि किसमें, ये इसका काम क्या होता है, फिल्ट्रेशन का काम होता है। किसको फिल्टर करेगा, ये जो ब्लड कहां से आ रहा है, हार्ट से जो ब्लड आ रहा है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, उसके अलावा इसमें जो भी वेस्ट पार्टिकल है उसको कौन फिल्टर करेगा, ग्लोमेरुलस करेगा, है ना। इसे हम और क्या बोलेंगे, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी बोल सकते हैं ना। आगे जाके किसमें डिवाइड होगा, कैपिलरीज में, है ना, छोटे छोटे वेंस या ट्यूब्यूल्स में डिवाइड हो जाएगा। और ये क्या, अब ये बनाएगा इफरनट आर्टरी। क्या बनाएगा, ये इफरनट आर्टरियोल्स। इसे क्या बोला जाएगा, इफरनट आर्टरियोल्स बोला जाएगा। क्या दिख रहा है हमको, कि जो इफरनट आर्टरीज था वो साइज में कैसा था, थोड़ा चौड़ा दिखाई दे रहा था, बट अगर मैं इफरनट आर्टरी की बात करूंगा तो साइज में कैसा है, बहुत ही पतला। तो जब इतना हाई प्रेशर जनरेट होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, कि ब्लड में जो भी पार्टिकल्स रहेंगे, लाइक प्रोटीन होंगे या ग्लूकोज होंगे, वाटर होंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट पार्टिकल्स होंगे या कुछ ऐसे हार्मफुल पार्टिकल्स, उस क्या होंगे, जब इतना प्रेशर जनरेट होगा तो उसमें से जो पार्टिकल्स होंगे छन जाएंगे, कहां पे, इस बोमन कैप्सूल के अंदर। जैसे मान लो यहाँ पे आ सकता है ग्लूकोज आ गया, या अमोनिया आ गया, यूरिया आ गया, वाटर आ गया, है ना, कुछ हार्मफुल सब्सटेंस भी आ गए, यूरिया भी आ गए, है ना।
और जो ब्लड था वो प्यूरिफाई या फिल्टर होके कहाँ चले गया, इन्फर्नल आर्टरियोल से होते हुए आगे हम देखेंगे कहाँ जा रहा है वो, वेन से होते हुए वापस कहाँ चला जाएगा, हार्ट में चला जाएगा, है ना। तो अब क्या होगा कि अब ये जो इम्पोर्टेंट पार्टिकल्स या वेस्ट पार्टिकल्स जो बोमन कैप्सूल में आए हैं वह आगे की ओर ट्रांसफर होंगे कहाँ पे, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अब क्वेश्चन ये आता है सर कि जो इम्पोर्टेंट पार्टिकल्स थे जैसे ग्लूकोज था, वाटर था या NaCl था, क्या हम उसको यूरिन के थ्रू बाहर जाने देंगे क्या, नहीं, वो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्या करेंगे, जो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो होता है वहां पे क्या होगा कि ये जो हम देख रहे हैं इन्फर्नल आर्टरीज, ये क्या होंगे, ये जो आर्टरी है या ये जो ब्लड की वेन्स है, ये चारों तरफ से किसके, नेफ्रॉन के चारों तरफ ऐसा कैसा कॉइल लाइक स्ट्रक्चर में घूमे हुए रहेंगे ना। तो अपने यहाँ पे डायग्राम बना लेते हैं, या समझिए कुछ इस टाइप से, ये चारों तरफ से नेफ्रॉन को घेरे हुए हमको ऐसा दिखाई देंगे, जिनका काम क्या होगा कि ये फिर से जो इंपॉर्टेंट पार्टिकल्स हैं उसे ये क्या कर लेगा, रीअब्सॉर्ब कर लेगा, और कहां भेज देगा, हमारे बॉडी के अंदर भेज देगा, है ना। हम ऐसा डायग्राम बना देते हैं यहाँ पे, तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये जो ब्लड के जो ट्यूब्यूल्स हैं ये चारों तरफ से किसको घेरे हुए हैं, नेफ्रॉन को घेरे हुए हैं, है ना। दिस इज जो सर्फ कॉइल करता है, करता है पेड़ में या किसी में भी जो सर्फ होता है वो चारों तरफ से कॉइल करता है, वैसे ही ये जो ब्लड के वेसल्स हैं ये चारों तरफ से किसको, इस नेफ्रॉन को घेरे हुए हैं, और ये बाद में ओपन हो जाएंगे, यहाँ पे हम देखेंगे वेंट्रिकल में या वेन में। और अब ये जो ब्लड है जिसको हमने फिल्टर किया है ये इस वेन की मदद से कहाँ चला जाएगा, या इस वेंट्रियोल्स की मदद से कहाँ चला जाएगा, हार्ट में चला जाएगा, फिर से बॉडी में चला जाएगा। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं जो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है ये क्या कर रहा है, फिर से रीअब्सॉर्ब कर ले रहा है ग्लूकोज को, वाटर को कुछ मात्रा में, और NaCl को, या जो भी इंपॉर्टेंट पार्टिकल्स है उसको ये क्या कर रहा है, फिर से रीअब्सॉर्प्शन कर ले रहा है। और अब जो भी इस यूरिन में या इसमें जो भी वेस्ट पार्टिकल्स होंगे या कुछ इंपॉर्टेंट होंगे वो कहाँ जा रहा है, वो जा रहा है हेनले लूप की तरफ। तो हम यहाँ पे देखते हैं एक जो पार्ट होगा उसे बोला जाता है डिसेंडिंग, डिसेंडिंग लिंब बोलते हैं हम इसे, है ना, और ये जो लिंब होगा उसे बोला जाता है असेंडिंग लिंब। तो नाम से समझ में आ रहा है डिसेंडिंग मतलब डिक्रीज, मतलब नीचे की तरफ, तो हमको दिख रहा है ना कि ये जो अब यूरिया है या इसमें जो भी वाटर है वो कहाँ क्या आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहे हैं, और कहाँ पे जा रहे हैं, हेनले लूप में होते हुए जा रहे हैं, है ना। हेनले लूप मतलब जो यू आकार का दिखाई दे रहा है, हेनले लूप का काम क्या होता है कि वाटर, इन द केस हमारे बॉडी में अगर वाटर की जरूरत नहीं है, अधिकता है, तो ये क्या करेगा, बॉडी से वाटर कहाँ भेज देगा, हेनले लूप, और ये कहाँ चला जाएगा, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से होते हुए कलेक्टिंग ड्रग्स और यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाएगा। इन द केस जैसे अगर हम गर्मी की बात करते हैं तो हमने देखा होगा कि हमको उसमें पसीना बहुत ज्यादा लगता है और यूरिन बहुत ही कम मात्रा में होती है। उसका रीजन क्या है, क्योंकि हमारे बॉडी को टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, वाटर की, जो पसीने के रूप से कहाँ निकले, बाहर निकले, और बॉडी का टेम्परेचर कैसे कर दे, नॉर्मल कर दे। उस कंडीशन में अगर यूरिन में वाटर ज्यादा मात्रा में लॉस हो रहा है तो इस हेनले लूप का काम क्या होता है कि उस वाटर को क्या करेगा, वो रीअब्सॉर्ब कर लेगा, है ना। तो वाटर या NaCl को वो क्या कर सकता है, रीअब्सॉर्ब कर सकता है, ताकि ज्यादा मात्रा में जो वाटर है वो हमारे शरीर से क्या ना हो, बाहर वेस्ट ना हो उसका। और उसके बाद ये असेंडिंग मतलब ऊपर की ओर, है ना। तो अब ये जो यूरिया है या नाइट्रोजनस वेस्ट है ये कहाँ जा रहा है, ऊपर की ओर, कहाँ पे, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में। और यहाँ पे भी क्या हो सकता है, इन द केस कुछ वाटर है तो उसको ये रीअब्सॉर्ब कर लेंगे, और या NaCl उसको रीअब्सॉर्ब कर लेंगे। इन द केस ऐसा कोई वेस्ट पार्टिकल्स अभी भी होंगे हमारे किसके, इस नेफ्रॉन के अंदर, तो उसे वो क्या करेगा, वापस से क्या करेगा, रीबैक कर देगा किसके अंदर, नेफ्रॉन के अंदर, और उसे कहाँ भेज देगा, कलेक्टिंग डक्ट में भेज देगा ना। इन द केस होगा ना कि ब्लड में अभी भी मान लो कुछ ऐसे पदार्थ होंगे जो मेरे बॉडी के लिए कैसे होंगे, हार्म होंगे, तो वो जो ब्लड है वो रीबैक कर देगा किसके पास, इस डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के पास। और इसकी मदद से अब ये जो यूरिया है, नाइट्रोजनस वेस्ट है, या जो भी अवशिष्ट पदार्थ है वो कहाँ चले जाएंगे, इस कलेक्टिंग डक्ट में चले जाएंगे, आया समझे। और अब हम देखेंगे कि जब ये सारे वेस्ट, अब इसमें क्या आ गया है, आप सोचो इसमें यूरिया आ गया है, यूरिक एसिड आ गया है, या जितने भी नाइट्रोजिनस वेस्ट हैं वो सभी कहाँ पे आ गए हैं,
इस कलेक्टिंग डक्ट में आ गए हैं और इस कलेक्टिंग डक्ट की मदद से फिर अब वो कहां पे जाएंगे। हमने देखा जब हमने किडनी का डायग्राम बनाया था तो हमने क्या बनाया था, रीनल पैलिक्स बनाया था। उस रीनल पैलिक्स में ओपन होंगे और फिर यहां से वो कहां जाएंगे, यूरेटर में जाएंगे। यूरेटर से फिर वो कहां जाएंगे, यूरिनरी ब्लैडर में। और सबसे लास्ट फिर वो कहां जाएंगे, यूरेथ्रा की मदद से क्या हो जाएंगे, शरीर से बाहर हो जाएंगे। कौन, वेस्ट पार्टिकल। और जितने भी इंपॉर्टेंट पार्टिकल्स या मिनरल्स थे उनको हमने फिर से क्या कर दिया था, रीअब्सॉर्ब कर लिया था। तो इसको समझने का सबसे बड़ा तरीका है कि सर इसको याद कैसे करें। अब जैसे यहाँ पे आप देखिए एफर्मेट आर्टरियोल्स ए, तो हम जैसे बोलते हैं ना, हमारे घर में कोई मेहमान आता था हम बोलते हैं आइए अंदर आइए, ए अंदर मतलब एफर्मेट मीन्स कि जब ब्लड इस नेफ्रॉन के अंदर आ रहा है ना, उसका चौड़ाई कैसा होगा, बड़ा होगा, सीधी सी बात है। और जब इतने प्रेशर से ब्लड जा रहा है और आगे जाके जब इफरनेट आर्टरी होता है, इफरनेट का साइज हमको दिख रहा है बकायदा कैसा होता है, थोड़ा पतला दिखाई दे रहा है। तो जब इतना प्रेशर जनरेट होगा, हाई प्रेशर जनरेट होगा, तो उस कंडीशन में क्या होंगे कि जितने भी इंपॉर्टेंट पार्टिकल्स हैं या वेस्ट पार्टिकल्स हैं वो सभी क्या होंगे, छनने लग जाएंगे। कहाँ पे, उस ब्लोमन कैप्सूल में, किसकी मदद से, ग्लोमेरुलस की मदद से, है ना। तो इफरनेट मतलब बाहर जा रहा है, कैसे याद करेंगे, एग्जिट है ना, ई फॉर एग्जिट। तो इफरनेट मतलब वो बाहर की तरफ जा रहा है, ठीक। यहाँ पे जो ब्लड है वो कैसा हो चुका है, प्यूरिफाई हो चुका है। अब हम देख रहे हैं कि जो बोमन कैप्सूल है इसमें वेस्ट पार्टिकल्स भी आए हैं और कुछ इंपॉर्टेंट पार्टिकल्स भी आ चुके हैं। तो क्या उस इंपॉर्टेंट पार्टिकल्स को क्या मैं कलेक्टिंग डक्ट में भेजने के बाद क्या यूरेथ्रा की मदद से शरीर के बाहर करना है, क्या नहीं, उसे हमें वापस से क्या करना है, रीअब्सॉर्ब करना है ना, फिर से उसको अपटेक करना है शरीर के अंदर। तो हम देख रहे हैं कि जो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होता है उसके चारों तरफ से कौन, ये जो रक्त वाहिनियां जो होती है वो ऐसे लिपटी हुई है, आई बात समझे। तो वो क्या करेंगे कि वो जो इंपॉर्टेंट पार्टिकल्स हैं, वो ग्लूकोज हो या इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स हो, वाटर हो, NaCl हो, उसे वो वापस से रीअब्सॉर्ब कर लेंगे। और इन द केस ब्लड में अभी भी कुछ वेस्ट पार्टिकल होंगे तो उसे वापस से क्या कर देंगे, कहाँ भेज देंगे, नेफ्रॉन में भेज देंगे, आई बात समझे। इसको याद करने का तरीका प्रॉक्सिमल और डिस्टल, जैसे हमारे बॉडी के पार्ट हम आगे पढ़ेंगे। प्रॉक्सिमल जैसे अगर मैं बात करूँ, ये मेरा बॉडी है, तो मेरा जो हाथ जॉइंट है वो कंधे से सबसे पास वाला भाग कौन सा है, ये वाला भाग है। और दूर वाला भाग कौन सा है, ये होगा। तो जो पास वाला भाग होता है उसे क्या बोलते हैं, हम प्रॉक्सिमल। और जो दूर वाला भाग होता है उसे क्या बोलते हैं, हम डिस्टल बोलते हैं, आई बात समझ में। तो जो नेफ्रॉन या बोमन कैप्सूल के जो पास है वो कौन है, प्रॉक्सिमल। और जो दूर है उसे क्या बोलता है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, आई बात समझ में। तो ये होता है एक्चुअली नेफ्रॉन का वर्क, क्या होता है कि जो भी वेस्ट पार्टिकल है उसको वो क्या करेगा, कलेक्टिंग डक्ट में कलेक्ट करेगा और फिर कहां भेजेगा, यूरिनरी ब्लैडर में भेजेगा। ब्लैडर जमा होता जाएगा और फिर एंड में जैसे ही अगर यूरिनरी ब्लैडर पैक होता है, तो मैं बता चुका हूं कि न्यूरॉन सिग्नल दे रहा है कि भैया ब्लैडर पैक हो चुका है, उसे क्या कर दो, शरीर से बाहर निकाल दो। तो यूरेथ्रा की मदद से क्या होगा, जितने भी वेस्ट पार्टिकल्स हैं वो शरीर से बाहर निकल जाएंगे। क्योंकि जो यूरिया है या जो यूरिक एसिड है वो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल है, बट हम देखेंगे प्लांट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ना, हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले चीज को आया। तो ये था नेफ्रॉन का वर्क। ओके, थैंक यू।